नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। अपने आज के इस नए वीडियो में, जैसा कि अपने स्क्रीन पर आप ये कंपोनेंट बना देख रहे हैं, ये थ्री डायमेंशनल पाथ वाला एक पाइप है, तो इसे हम आज बनाएंगे ऑटोकैड 3D पर। ऑटोकैड 2021 हम यूज़ करेंगे इसके लिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। मैंने ये फाइल को क्लोज कर दिया। और दोस्तों, अब ये वो स्क्रीन है जो आपके सामने तब आती है जब ऑटोकैड के आइकन पर हम डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से मैंने ये देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया। ये देखिए, अब ये जो ड्रॉप डाउन ओपन होता है, यहाँ से मैंने ऑटोकैड 3D पर क्लिक किया। यहाँ से ये डायरेक्टली 3D की फाइल ही ओपन होगी इस तरह से। और ऊपर जो आपको ये कमांड्स नज़र आ रही हैं, इनको हमने पहले से सेट कर रखा है। ये देखिए, वर्क स्पेस स्विचिंग है ये। यहाँ से हमने ये 3D मॉडलिंग सेलेक्ट कर रखा है। पहले जो है वो, जब भी आप जो डिफ़ॉल्ट ओपनिंग होती है उसमें ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन आपको देखने को मिलता है। हमने यहाँ से 3D मॉडल बनाना है, तो हमने 3D मॉडल सेलेक्ट किया, जिससे हमें यहाँ पर ये 3D की कमांड्स दिखाई देंगी 2D के साथ साथ। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो हम दो स्केच बनाएंगे। स्केच बनाने के लिए मैं यहाँ से, ये देखिए, ये होम पर क्लिक किया मैंने, तो ये इस डायरेक्शन में खुल कर आ रहा। तो अब हम यहाँ से ये ले लेंगे, कौन सा, लेफ्ट प्लेन। ये जो है लेफ्ट व्यू सेलेक्ट किया मैंने, टॉप पर क्लिक कर राइट क्लिक किया और पैरेलल पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से हमने एक, ये देखिए, लाइन कमांड में यूज़ करूँगा मैंने। यहाँ कहीं पर भी क्लिक किया और ऑर्थो मोड को ऑन किया और इस डायरेक्शन में जाऊँगा मैं, कितना, 130 टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये बाहर निकल गई लाइन ऐसे। और फिर इस डायरेक्शन में जाऊंगा मैं, कितना, 120। ओके, और एंटर दबाकर कमांड से बाहर निकला है। अब करना क्या है हमें कि ये जो इस, ये एंड पॉइंट है इस लाइन का, यहाँ से ऊपर इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे 60 और उसके बाद इस पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। एस्केप दबाया। अब ये दोनों लाइनें हमें नहीं चाहिए, सेलेक्ट करके ई टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे और इरेज कर देंगे। ओके, तो अब फिलेट करते हैं हम। यहाँ पर फिलेट के लिए मैंने F टाइप करके एंटर प्रेस किया, फिर R टाइप करके एंटर प्रेस किया, इसके बाद वैल्यू दे दी 60 और एंटर प्रेस किया। अब इस लाइन और इस लाइन को मैं बीच में फिलेट कर दिया। अब यहाँ से, चूंकि ये देखिए अलग अलग एंटिटीज़ हैं, तो इसे ज्वाइन कर देंगे हम। J टाइप करके एंटर प्रेस किया और इसे ज्वाइन कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, मतलब J एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद फिर से एंटर प्रेस किया। अब ये देखिए, ये एक एंटिटी में कन्वर्ट हो गई। ओके, एस्केप दबा के बाहर निकले, फिर से होम पर क्लिक किया, अननेम्ड WCS। ओके, इसके बाद हम आएंगे कहाँ पर, टॉप पर। देखिए, टॉप हमने सेलेक्ट किया, इस तरह से हमें दिख रहा है ये। राइट क्लिक करके पैरेलल पर क्लिक किया। अब यहाँ से लाइन पर गए। अब ये जो हमें पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, कितना, यहाँ से हम आगे जाएंगे 100, एंटर, इस डायरेक्शन में आएंगे 130, एंटर, फिर इस डायरेक्शन में आएंगे हम 40 और एंटर। एस्केप दबा के कमांड से बाहर निकले, लाइन पर गए, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर और एस्केप दबाया, बाहर निकला है। इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट किया और ई टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया, इरेज कर दिया यानी कि। अब फिलेट, एफ एंटर, आर एंटर, वैल्यू दे दी 50, एंटर, और इस लाइन और इस लाइन के बीच में हमने फिलेट क्रिएट किया। और अब जॉइन, जे एंटर, ये सिलेक्शन किया और एंटर प्रेस किया, तो ये लाइन भी आपकी, मतलब ये प्रोफाइल भी जो है जॉइन हो गई, एक एंटिटी में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ से हम होम पर क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ ऐसे नजर आएगा, देखिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड यूज करेंगे। एक्सट्रूड पर क्लिक किया। अब आप कहेंगे ये ओपन ऑब्जेक्ट है, कहीं से भी, मतलब क्लोज तो है नहीं, तो हम एक्सट्रूड कैसे करेंगे। अगर हम ओपन ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करते हैं तो वो सरफेस क्रिएट करता है, और क्लोज ऑब्जेक्ट को जब हम एक्सट्रूड करते हैं तो वो 3D सॉलिड बनाता है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर प्रेस किया, तो इस डायरेक्शन में देखिए ये एक्सट्रूड हो रहा है, ये सरफेस है। मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पर, कितनी, 160, लेकिन ये दूसरे डायरेक्शन में चली गई। अब हम क्या करेंगे, मैंने कंट्रोल जेड यानी कि एक स्टेप में पीछे चला गया, एक्सट्रूड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर,
इस डायरेक्शन में जाएंगे और टाइप करेंगे -160, तो ये देखिए उस डायरेक्शन में एक्सट्रूड हुई है। अब नीचे वाली जो ये कर्व है इसको भी हमें एक्सट्रूड करना है, तो EXT टाइप करके एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर, और ऊपर लेकर जाएंगे इसको कितना, मतलब ये आर पार चली जाए इस तरह से, और यहाँ क्लिक कर दिया हमने। अब हमें जो इंटरसेक्शन कर्व चाहिए, वो दो सरफेस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, वही हमारे लिए उस वो 3D पाथ है पाइप का जो हम यूज़ करेंगे। तो ये दो सरफेस तो हमने क्रिएट कर ली, अब हमें करना क्या है कि इनका इंटरसेक्शन हमें क्रिएट करना है। देखिए अभी तक आपने सब्ट्रैक्ट देखा है, और ये सब्ट्रैक्ट है, यूनियन देखा है जिसमें दो 3D ऑब्जेक्ट्स को जोड़ देते हैं आपस में, सब्ट्रैक्ट में हम अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करने का मतलब क्या कि सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पोर्शन का किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में से। अब यहाँ से ये आपका हो जाएगा सॉलिड इंटरसेक्ट, हम इंटरसेक्ट पर क्लिक करते हैं, ये देखिए एक क्लिक इस पर किया और एक क्लिक इस पर कर दिया और एंटर दबाया, तो देखिए यहाँ पर एक दूसरी कर्व ये जनरेट हो गई। ये जो कर्व है ये हमारे लिए पाथ का काम करेगी, 3D पाथ है जिस पर हम अभी पाइप क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैंने ई टाइप करके एंटर प्रेस किया और पहले दोनों बनाई हुई कर्व्स जो थी उन्हें डिलीट कर दिया, अब उनकी हमें ज़रूरत नहीं। अब हम जे टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे और ये विंडो बनाएंगे जिसमें पूरी ये कर्व आ जाएगी और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे क्या कि एक हमने सर्कल पर क्लिक किया और ये देखिए ये एंड पॉइंट है, इस पर क्लिक किया। अब रेडियस की वैल्यू हम दे देते हैं 20, क्योंकि हमें 40 का डायमीटर यूज करना है यहाँ पर। अब हम ले लेते हैं यहाँ से क्या स्वीप हमें करना है, तो एक्सट्रूड कि ये देखिए यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में स्वीप आ जाता है, स्वीप टाइप करके मैंने एंटर प्रेस किया, ये सॉरी स्वीप पर क्लिक किया, इसके बाद ये सर्कुलर जो सर्कुलर ये क्रॉस सेक्शन है पाइप का, इस सर्कल पर क्लिक किया, एंटर दबाया, और उसके बाद इस पाथ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये एक 3D पाइप यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब इसे हमें चूंकि हॉलो बनाना है, खोखला करना है, तो हम शेल कमांड यूज़ करेंगे। तो सॉलिड पे देखिए यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर ये है शेल कमांड। ओके, तो शेल पर हमने क्लिक किया, मैसेज आता सेलेक्ट 3D सॉलिड, मैंने सॉलिड ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, और अब देखिए जैसे ही क्लिक किया मैसेज आता है रिमूव फेसेस, तो इसमें फेस को अपनी तरफ करूंगा और इस फेस पर क्लिक किया, देखिए ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सही से अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है। इसको थोड़ा और नज़दीक ले आएंगे इस तरह से, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सेलेक्ट हो गया। ऐसी कंडीशन में जब आपको नज़र आ रहा है तो ये सेलेक्ट हो जाता है। ओके, अब घुमाते हैं क्योंकि हमें दूसरी तरफ का फेस भी रिमूव करना है, हमने इसे घुमाया, जूम इन करेंगे हम, नज़दीक लेकर आएंगे इसको थोड़ा फेस को अपने, और ये देखिए जब ये सामने आया अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया। ये दोनों फेसेस को हमें रिमूव करना है, घुमाया ऑब्जेक्ट को, अब देखिए इस कंडीशन में हमें दोनों फेसेस नजर आ रहे हैं, मैंने एंटर प्रेस किया और इसके बाद मैसेज आता है एंटर द शेल ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैंने दे दिया 3 और एंटर प्रेस किया, देखिए ये दोनों ही फेसेस रिमूव हो जाएंगे और ये ऑब्जेक्ट हॉलो हो जाएगा। अब देखिए एस्केप दबाया, ये ऑब्जेक्ट हॉलो हो गया। अब यहाँ से मैंने फिर से होम पर क्लिक किया, ये सब अपनी कंडीशन में आ गया पहले जैसी। ओके, अब हम एक फ्लेंज बनाएंगे, इसमें हम फ्लेंज अलग से बनाकर लगा देंगे। हम होम पर जाते हैं, यहाँ से मैंने ले लिया ये टॉप प्लेन। ओके, टॉप प्लेन लेने के बाद अब मैं एक फ्लेंज बना रहा हूँ, राइट क्लिक करके पैरेलल कर दिया, ये मैंने एक सर्कल पर गए, एक जगह पर क्लिक किया, सेंटर मार्क हो गया। अब वैल्यू दे दी रेडियस की मैंने कितनी, 28। ओके, अब यहाँ से लाइन कमांड में गए, एल टाइप करके एंटर प्रेस किया, ये देखिए इस डायरेक्शन में जाएंगे हम कितना 30, और इस डायरेक्शन में भी जाएंगे हम कितना 30 mm, तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। इन अलग अलग पॉइंट्स पर देखिए सेंटर लेकर मैंने एक और सर्कल बनाना है, इसका जो डायमीटर होगा वो 30, यानी कि रेडियस 15, और इधर भी जो है वो ऐसे ही बनेगा, रेडियस 15। इसके बाद हम टेंजेंट बनाएंगे इसके चारों तरफ, तो यहाँ से मैंने ये देखिए DS टाइप करके एंटर प्रेस किया, और ये ऑब्जेक्ट स्नैप के ये पॉइंट्स सारे ऑन है इस वक्त, तो मैंने क्लियर ऑल किया और सिर्फ टेंजेंट को ऑन करके ओके कर दिया। अब मैं जाता हूँ लाइन पर,
अब देखिए ये टेंजेंट अपने आप यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, एक क्लिक इधर एक क्लिक इधर, कमांड से बाहर निकले, फिर से गए लाइन पर, एक क्लिक यहाँ फिर एक क्लिक यहाँ, जैसे ही टेंजेंसी का साइन जो है वो शो हो रहा है, अब फिर एस्केप दबाया, फिर एंटर दबाकर हम लाइन कमांड में वापस आ जाते हैं, बाहर निकले फिर एंटर दबाकर अंदर आ गए, देखिए एस्केप। अब हम ट्रिमिंग करेंगे, टी आर टाइप करके एंटर को दो बार प्रेस करेंगे और अंदर का जो भी है इसे हम ट्रिम करते चलेंगे। जब भी हम 3D बनाएंगे हो सकता है ट्रिम करते वक्त आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना हो, लेकिन कोशिश करते रहिए ये हो जाएगा। ये जो बच गया है इसे हमने सेलेक्ट किया और इस ई टाइप करके एंटर प्रेस किया, इरेज कर दिया। अब हमने दो सर्कल और बनाने हैं, ये देखिए अब यहाँ पॉइंट चूंकि नहीं दिख रहा है तो एस्केप दबाएंगे, DS टाइप करके दोबारा एंटर किया हमने, इस बार हमने सेलेक्ट ऑल किया और ओके पर क्लिक किया। अब हमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो दिखाई देंगे, ये देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो गया आपका, ये सेंटर पर मैं वैल्यू दूंगा रेडियस की 5, अगेन सी एंटर, और इस वाले सेंटर पर हम जाएंगे यहाँ भी रेडियस की वैल्यू देंगे 5, तो ये फ्लेंज बन गया। अभी एक और बाकी है, ये देखिए ये सेंटर है, इस पर हम वैल्यू देंगे रेडियस की 17, 34 mm का एक सर्कल बनेगा। होम पर क्लिक किया, यहाँ से हम लेंगे प्रेस पुल, प्रेस पुल लेने के बाद ये देखिए ऑब्जेक्ट के भीतर क्लिक किया तो ये हाईलाइट होने लगा, और ये देखिए इस डायरेक्शन में नीचे के डायरेक्शन में हम ले जाते हैं 10, ओके, लेकिन हाँ ये ऊपर ही रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अगर हम -10 की वैल्यू देंगे तो नीचे भी चला जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी कमांड यूज़ करेंगे, तो CO एंटर, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने, और देखिए जब नज़दीक जाएंगे तो दो सेंटर यहाँ पे शो होंगे, एक हमने ये हम ऊपर वाला लेना, हमने ऊपर वाला सेंटर लिया, और इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे और इधर से ये देखिए ये जब यहाँ इसकी सर्कमफेरेंस पे आएंगे तो ये देखिए ये आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर फिक्स हो गया, एस्केप दबाया। अब इसको दूसरे एंड पर लेकर जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से 3D रोटेट, 3DRO टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, दोबारा एंटर प्रेस किया। अब ये देखिए ये एक्सिस है, ये रिंग है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और 90 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए इस ओरिएंटेशन में अब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखने लगा। तो फिर मैंने M टाइप करके एंटर प्रेस किया, मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पीछे वाला सेंटर है, ये पीछे वाला सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसे उठाएंगे और ये देखिए ये सेंटर जो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जाकर फिक्स हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं, सेलेक्ट करने के बाद इसे इरेज कर देंगे, ये टाइप करके एंटर प्रेस किया, तो इस तरह से देखिए ये ऑब्जेक्ट बनता है। अभी हम इसे यूनियन करना बाकी है, UNI टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को ये देखिए पूरा सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, इस तरह से ये 3D ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा, ओके एस्केप। तो दोस्तों ये था 3D पाइप इन ऑटोकैड 2021 इन 3D। तो चलिए इसमें हम रेंडर भी कर सकते हैं इसको, और ये रियलिस्टिक लगेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।